नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्बिट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, भव्य उद्घाटन, उसको लेकर अक्षय कलश यात्रा जो है वो निकाला गया है बजरंग दल के द्वारा। अभी हम खगौल में मौजूद है, जहां राम जानकी मंदिर से निकालते हुए उसे पूरे खगौल का भ्रमण करना है। अभी जो यात्रा है वो गुड़गांवा मंदिर में पहुँच चुका है और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बजरंग दल के लोग हैं वो यात्रा लेकर यहाँ पे कलश जो है, आप तस्वीर में देखेंगे कलश जो है कांधे पे लेकर कलश यात्रा जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि राम जी का जो अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह जो मंदिर है अयोध्या में बना हुआ है और 22 तारीख को जो है उसका उद्घाटन जो है वो होना है। और तमाम जो श्रद्धालु है, भक्त है, जो बजरंग दल के युवा है, वो जो है रैली में जो है वो निकल गए हैं और जय श्री राम के जो है वो नारे लग रहे हैं। यहाँ पे जो पालकी लिए हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं, कहाँ कहाँ से आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ से भव यात्रा निकाला गया, कहाँ यात्रा खगौल से निकाला गया, राम जानकी मंदिर से पूरा खगौल भ्रमण करते हुए किस चीज को लेकर यात्रा निकाली? ये राम मंदिर से आई अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करूंगा कि 22 जनवरी को जिस दिन हमारे रामलला एक झोपड़ी से निकल कर महल विराजेंगे उस दिन हर घर दिवाली बननी चाहिए, एक इतिहास रचा जाए। क्योंकि हमारे जितने भी पीढ़ी हैं, हम बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है जो हमें देखने को मिला कि राम मंदिर एक झोपड़ी से निकल कर महल में विराज रहे हैं। ये यात्रा जो है पूरा खगौल भ्रमण जी पूरे खगौल भ्रमण करेगी, फिर कहाँ पे जाके समाप्त? लखनी बिघा मंदिर में समापन होगा, लखनी बिघा मठ में समापन जाएगा। जी जी, विशाल कुमार बजरंग दल गौक्षा प्रमुख। ये यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक जाएगा? यह यात्रा राम जानकी चौक से शुरू हुई है, गुड़गामा माँ मंदिर होते हुए जमालुद्दीन चक चकरदाहा लक होते हुए गरीखाना से फिर अपने लखनवी का होते हुए सरारी गुमटी होते हुए फिर अपने राम जानकी चौक पर जाकर वहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ जब समापन हो जाएगी। हाँ तो देखिए, जो 22 तारीख को आगामी जो होने वाला है उसको लेकर यहाँ बजरंग दल के युवा के साथ साथ सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये यात्रा किसको लेकर निकालेंगे? अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को वहाँ प्रभु श्री राम विराजमान हो जाएंगे, उसी को लेकर के पूरे देश और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हिंदू भाई हैं वहाँ वहाँ हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाने का तैयारी हो रहा है और यात्रा निकाली गई है। हाँ, हर जगह यात्रा निकाली गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे भारत में ये यात्रा निकाली गई है। क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। क्या हुआ? पटना महानगर के जिला संयोजक। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो बजरंग दल के लोग हैं उनसे कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन। बजरंग दल के क्या है? बजरंग दल का कोषाध्यक्ष रहे थे बहुत पहले, अब नए लोग। पूर्व कोषाध्यक्ष? हाँ। तो ये बताएं कि ये जो यात्रा निकला है कहाँ से निकली है? ये अपना चकरदाहा मंदिर या श्री राम जानकी मंदिर से निकली है और ये गुड़गामा होते हुए पूरे बाजार भ्रमण करे। इसको लेकर निकाले हैं? किस चीज को लेकर यात्रा निकाले हैं? ये अक्षत कलश है, अक्षत कलश है और ये पूरे नगर भ्रमण करते हुए सब जगह बांटते हुए ये अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। आपको एक चीज और बताएंगे इनके बारे में। अच्छा, ये वही वे ये आज मंदिर बन रहा है तब भी उपस्थित है और जब वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद टूट रहा था तब भी ये उपस्थित है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 साल इंतजार के बाद राम मंदिर बन रहा है और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का ये योगदान है कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा और भव्य जो आज जो वहाँ हमें जो लाखों लाख के कार्यकर्ताओं हमारे वहाँ जाकर इस भव्य मंदिर का दर्शन भी करेंगे और बिहार से भी, और इसलिए राम जो राम बनाया है वो जो राम के मंदिर बनाए हैं वो राम मंदिर बनाए हैं उसी 2024 में भी लाना है
और उसी और 400 प्लस सीट लेकर और फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जय श्री राम। देश की जनता के लिए बस एक ही मेरा सुझाव है, जो राम लला के मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा पा रहे हैं वो अयोध्या को अपने गली मोहल्ले में ही बसा ले, जो अयोध्या नहीं जा पाए वो अपने गली मोहल्ले को ही अयोध्या बना दे, बस मेरा यही लोगों से कहना है। शैलेश तिवारी। तो यहाँ पे जो बजरंग दल के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, सभी मिलकर युवा जो थे वो उन्होंने आज राम जानकी मंदिर से अक्षय कलश यात्रा निकाला है, जो राम मंदिर का भव आगामी 22 जनवरी को जो उद्घाटन होगा भव मंदिर का, उसको लेकर आज यात्रा निकाला और पूरे खगोल का ये भ्रमण करेंगे और फिर जाकर समापन जो है राम जानकी मंदिर में इसका समापन जो हो जाएगा। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं और खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे वेबसाइट www.arbhattnews.in पर जाकर भी खबरों से रूबरू हो सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़।